और इस बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 21 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में ये कार्रवाई हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर करता था ठगी। ठग गिरोह का सरगना हरियाणा से गिरफ्तार हुआ है। चीन से जुड़े हैं अभियुक्त के तार। चीन के लिए करता है काम। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किए हैं। चीन से इसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और चीन के लिए काम भी करता था। देहरादून में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और यहां पे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। 21 करोड़ की धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है, जिसके तहत पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक आरोपी को अपनी गिरफ्त में लिया है और बता दें कि चीन से इसका तार जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी किया करता है। चीन से जुड़े हैं अभियुक्त के तार और बता दें कि वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी किया करता है। ये एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है देहरादून में। तो चीन से जुड़े हैं अभियुक्त के तार। बता दें वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी करता है। ये चीन के लिए काम करता है और बता दें कि चीन से जुड़े हुए तार बताए जा रहे हैं। तो यही वो शख्स है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। बता दें कि देहरादून में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है और एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। 21 करोड़ के धोखाधड़ी का ये मामला है, जिसको लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। चीन से जुड़े हुए तार बताए जा रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी हुई है। 21 करोड़ की ठगी हुई है और चीन के लिए ही ये आरोपी काम करता था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यही वो शख्स है जो कि चीन के लिए काम करता था। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर 21 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है और आपको बता दें कि इसके बाद से एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके तार जो है वो चीन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और चीन के लिए ही ये आरोपी कार्य करता था। तो चीन से जुड़े हुए अभियुक्त के तार बताए जा रहे हैं। देहरादून एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। 21 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है एक शख्स को। बता दें कि 21 करोड़ की धोखाधड़ी इसने की है। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ये ठगी करता था और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे भी पुलिस लगातार कार्य कर रही है। एसटीएफ आगे भी इस तरीके की बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। तो ठग गिरोह का सरगना हरियाणा से गिरफ्तार हुआ है। हरियाणा से इससे गिरफ्तारी हुई है। चीन के लिए काम करता था। चीन से जुड़े हुए तार बताए जा रहे हैं। तुषार गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, कैसे गिरफ्तारी हुई, कैसे पूरी कार्रवाई हुई? दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे तुषार को। इस बीच ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दें। 21 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और बता दें इसके तार जो है वो चीन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। चीन के लिए ही कार्य करता था। तुषार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, किस तरीके से कार्रवाई हुई और इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया? देखिए, लगभग 21 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ एक कार्रवाई की गई है और इसे गिरफ्तार हरियाणा के गुड़गांव से किया गया है और काफी सालों से ये वंचित चल रहा था। करीब 37 FRI और साथ साथ 855 आपराधिक तार इसके जुड़े हुए थे। ऐसे में काफी बड़ा नेटवर्क इसका था और काफी करोड़ों रुपए का एक घपला इसमें कर चुका था। इसके बाद जो उत्तराखंड एसटीएफ है, देहरादून में एक मामला सामने आया था जिसमें करीब 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी एक व्यक्ति के साथ की गई थी। जो मुख्य इसको फंसाने का, लोगों को फंसाने का इसका वो रहता था, वो पहले लोगों को रीच करता था जिन्हें ऑनलाइन जॉब चाहिए होती थी। उसके बाद जो लोग इसके पास जाते थे वो ऑनलाइन, कहा जा सकता है टेलीग्राम के माध्यम से ऑनलाइन जो होटल बुकिंग होती है उसमें कमीशन दी जाती थी। पहले मोटी रकम जो इसके क्लाइंट से यहाँ पे कहा जाए जो भी वे ये फंसाना चाहता था उन्हें देता था। उसके बाद जब इसका जब ये उनकी मोटी रकम इस स्कीम के बहाने ले लेता था, 20 लाख रुपए एक देहरादून के बाकी से लिए गया था। उसके बाद देहरादून जो एसटीएफ है वो काफी एक्टिव हो गई थी और ढूंढने के लिए काफी मशक्कत की थी और आखिरकार ये हरियाणा से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और जी बिल्कुल, बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसटीएफ ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार, तमाम जानकारियों के लिए।
खबर में आगे बढ़ेंगे। पेपर लीक के मामले में सुर्खियों में रहे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एक बार फिर अपने अध्यक्ष के कार्यकाल को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। आयोग के मौजूदा कार्यवाहक अध्यक्ष जगमोहन सिंह राणा का कार्यकाल 26 अक्टूबर को खत्म हो गया है। बावजूद इसके राणा जी 27 अक्टूबर को भी अपने कार्यकाल में बैठकर कार्यालय में बैठकर कामकाज निपटाते नजर आए। शासन स्तर पर आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के कार्यकाल का विस्तार का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद भी जगमोहन सिंह राणा का अपनी कुर्सी पर बैठ काम निपटाना कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। इस बाबत जब राणा जी से बात की गई तो उन्होंने इस मामले में शासन से बात करने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनके पास शासन से किसी तरीके की कोई चिट्ठी नहीं आई है। कार्यकाल वैसे खत्म हो गया है ना आपका सर? ये किसने कहा है? तो शासन बताएगा ना। तो कब तक का था वैसे सर कार्यकाल? कब तक का था वैसे? मुझे पता नहीं। अच्छा, मुझे पता नहीं, अग्रिम उस पर लिखा हुआ। चलो, तो वैसे अभी शासन से पूछ लीजिए, शासन जैसा कहता है वैसा होता है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जगमोहन का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया है, लेकिन उसके बाद भी आज वो यहाँ पर लोक सेवा आयोग पहुँचते हैं और अपना कामकाज करते हैं। जो कर्मचारी हैं उनके साथ बैठक करते हैं। बैठक के बाद वो जब निकल रहे थे, जब उनसे हमारे साथ बातचीत हुई तो उन्होंने साफ कहा कि अभी उनके पास किसी तरह का कोई आदेश नहीं मिला है और शासन से इस बारे में कोई पुष्टि अभी नहीं हो पाई है उनको कि उनका कार्यकाल बढ़ा है या उनका आज जो एक दिन पहले उनका कार्यकाल पूरा हुआ है उसकी क्या स्थिति है। हालांकि जिस तरह से लोक सेवा आयोग पिछले दिनों जो भर्ती परीक्षा हैं उनको लेकर सुर्खियों में रहा है और उसके बाद अब जिस तरह से जो अध्यक्ष हैं उनके कार्यकाल को लेकर एक सवालिया निशान बिल्कुल उठना तय है, क्योंकि जो एक दिन पहले जब कार्यकाल समाप्त होता है उसके बाद भी वो यहाँ पर बैठ कर मीटिंग लेते हैं। विकास चौहान, इंडिया वाइज, हरिद्वार, उत्तराखंड। सर एक मिनट। तो जगमोहन सिंह राणा काम निपटाते हुए नजर आए। 26 अक्टूबर को कहा जा रहा उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, बावजूद इसके काम करते हुए नजर आए। अवनीश प्रेमी स्टेट हेड हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, जब इनसे प्रश्न किए गए कि आपका तो 26 अक्टूबर का कार्यकाल समाप्त हो गया, उन्होंने बोला इस बात की कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कैसे संभव है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जगमोहन सिंह राणा जो है उनका कार्यकाल कल समाप्त हो गया था और आज जिस तरह वो कार्यालय में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका संदिग्ध यहाँ पर नजर आती है। संविधान की अगर बात करें तो उनको बिल्कुल भी राइट नहीं है यहाँ पर बैठने का, क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। दूसरी बात यह है कि लोक सेवा आयोग पहले भी भर्ती घोटाले को लेकर चर्चाओं में रहा है और डिपार्टमेंट के कई अधिकारी अब भी सलाखों के पीछे हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि जब कल जगमोहन सिंह राणा का कार्यकाल समाप्त हुआ तो आज वो किस हैसियत से यहाँ पर बैठे, जबकि संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो उनके कार्यकाल को बढ़ाने का भी कोई अधिकार फिलहाल नहीं है संविधान में। नए जो अध्यक्ष हैं उनकी यहाँ पर नियुक्ति होगी, जिसकी फाइल बाकायदा राजभवन में है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर किस हैसियत से और किस काम को निपटाने के लिए जगमोहन सिंह राणा आज ऑफिस में बैठे, उन्होंने सरकारी जो कागजात है उनसे छेड़छाड़ की, क्या उन्होंने किया अपने आप में, निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है। और इस बारे में जब कार्मिक सचिव से बातचीत की गई तो उन्होंने भी इसको पूरी तरह गैर जिम्मेदारान बताया और ये कहा कि सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन है। तो सरकार को ये चाहिए कि वो इस बात के लिए जांच बैठाए कि आखिरकार जगमोहन सिंह राणा ने आज दिन भर अपने ऑफिस में बैठकर क्या किया, जो नई भर्तियां होनी है या जो भर्तियां हो चुकी है तो क्या उससे भी जो संबंधित दस्तावेज है उससे भी कुछ छेड़छाड़ की है या नहीं की है। और विपक्ष निश्चित तौर पर इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश भी कर रहा है। जी जी बिल्कुल, अब देखना होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होती भी है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवनीश, तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मामले में सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ओबीसी आरक्षण का बहाना बना रही है, जबकि हकीकत यह है कि सरकार निकाय चुनाव ना कराने में देरी इसलिए कर रही है क्योंकि 6 महीनों से अभी तक आरक्षण कहां लागू किया जाए इसका भी फैसला सरकार नहीं कर पाई है। तो वहीं इसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस का यही काम है, वो सिर्फ आरोप लगाती है। लोकसभा और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी तैयार है। सरकार की अक्षमता का इससे बड़ा खुला विज्ञापन नहीं हो सकता।
कि आपने पिछले 6 महीनों से आप ओबीसी के वार्डों का निर्धारण नहीं कर पा रहे, तो आपसे कैसे उम्मीद की जाए कि आप जनगणना के बाद और उसके बाद जो है जो परिसीमन इत्यादि होंगे वो काम। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल भाव है वो है कार्यकर्ता, मूल आधार है कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता आधारित कोई पार्टी आज देश में है बल्कि विश्व की सबसे पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कभी चुनाव से न तो डरती है और चुनौती मान के अवसर मान के उसको उस काम में लगती है। और मैं आज आपको बता रहा हूँ चुनाव तो होंगे, लेकिन मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाह रहा हूँ, 5 हमारे यहाँ लोकसभा है, इस बार बड़े मार्जिन से हम लोग जीत रहे हैं, स्थानीय निकायों में भी हमारी मजबूत स्थिति है, उस स्थिति को हम बनाए रखेंगे। और अब प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्ति सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में रहेगी। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने इस मामले में आदेश पारित कर अपील का निपटारा भी कर दिया है, जिसमें पिरान, कलिया, शरीफ, दरगाह समेत प्रदेश की अरबों की 2000 से अधिक संपत्तियां हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में 6 महीने के भीतर ITI एक्ट के तहत मैनुअल तैयारी करने के निर्देश दिए हैं, जिसका वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ऐसे में वक्फ बोर्ड में भी पारदर्शिता होनी चाहिए। सूचना के अधिकार का दायरा बढ़ने से लोगों के अधिकारों में बढ़ोतरी होगी। लक्सर के लेखपाल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां लेखपाल महोदय ने ढाडेकी गांव की कई ऐसे ग्रामीणों के नाम पर बाढ़ का राहत चेक जारी कर दिए जिनकी काफी पहले मौत हो चुकी है। इसके अलावा नाबालिग और अपात्र लोगों के भी चेक बना दिए गए हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने SDM से मामले की शिकायत की है, जिस पर SDM ने नायब तहसीलदार को जांच सौंप दी है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे SDM को जांच सौंप दी गई है और उनके नाम चेक बनाए गए हैं जिनकी पहले से ही मौत हो चुकी है। अब ऐसे में कई सवाल जो है वो खड़े होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो बता दें कि SDM को पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है, ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी SDM को की है और इसके बाद से आपको बता दें मामला काफी संगीन नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में ऑनलाइन फूड डिलीवरी बॉय सड़क हादसे का शिकार होने के बाद परिवहन विभाग सख्त हो गया है। दरअसल ऑनलाइन फूड सप्लाई कंपनियों के डिलीवरी बॉय तेज बाइक चलाकर टारगेट पूरा करने के कारण हादसे का शिकार हो रहे हैं। देहरादून में एक फूड डिलीवरी बॉय की मौत के बाद परिवहन विभाग ने कंपनियों को अल्टीमेटम दे दिया है, साथ ही RTO की तरफ से डिलीवरी बॉयज को ट्रेनिंग दी जा रही है। देहरादून में करीब 1500 डिलीवरी बॉयज है और ऐसे में हादसे का शिकार हुआ है डिलीवरी बॉय। मामले में परिवहन विभाग सख्त हो चुका है, विभाग ने कंपनियों को अल्टीमेटम दिया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मामले में अब परिवहन विभाग सख्त हो चुका है। तो देहरादून की खबरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।